बसमिलकुम हजरत कैसे हैं आप आप सबको वेलकम करना चाहूँगी मॉर्निंग एट होम में एक नई सुबह एक नए वीक एक नई उम्मीद एक नई उमंग के साथ मैं जुगन काजिम आपके सामने हाजिर हूँ आज एक ऐसी चीज़ पे डिस्कशन करना चाहूँगी जिस पर पिछले दो दिन भी मैंने बहुत ज़्यादा सोचा और वो हैं हमारे रिश्ते हमारे ताल्लुक़ हमारी रिलेशनशिप्स हमारा सबसे बड़ा असासा हमारे ये रिश्ते और हमारे ये ताल्लुक़ ही होते हैं चाहे भाई बहन का आपस में ताल्लुक़ हो बहन का बहन से हो भाई का भाई से हो माँ बाप के साथ बच्चों का ताल्लुक एंड इसी तरह से मियाँ का बीवी से बीवी का मियाँ से ये सारे वो बड़े इम्पोर्टेंट और बड़े ख़ूबसूरत ताल्लुक़ होते हैं जिनको मेंटेन करने के लिए कुछ बहुत ही अहम चीज़ें हैं जिनका हमारी लाइफ़ में होना बहुत ज़रूरी है जैसे कि इज़्ज़त ख़लूस और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट इन रिश्तों को इन नातों को वक्त देना टाइम देना हम सारा वक्त जो है अपने मोबाइल फोन्स पे, डिवाइसेस पे गैजेट्स पे गुज़ार देते हैं हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि ये जो गैजेट्स हैं ये जो डिवाइसेस हैं इन्होंने एट दी एंड ऑफ आ टाइम जब भी हमारा वक्त ज़िंदगी में इस 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 दुनिया में पूरा हो जाएगा तो उसके एंड पे इन गैजेट्स और डिवाइस ने नहीं हमारा ख्याल रखना है डिवाइस और गैजेट्स ने हमें वक्त नहीं देना वक्त देना है हमें इंसानों ने उन तल्लक ने जिन पे हम फोकस करेंगे जिनके ऊपर हम तवज्जो देंगे मसला ये है कि हमने अपने रिश्ते अपने ताल्लक़ात पर तोज्जो देनी छोड़ दी है माँ बाप हैं तो हैं औलाद है तो है चलो अपना काम भी करो अपनी बाकी सारी चीज़ें भी करो हु केयर्स के आगे से रिएक्शन या रिस्पॉन्स क्या आता है और इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस होता है देखें हमें ये टेंशन सबसे ज़्यादा होती है कि भाई गाड़ी ख़रीदनी है बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है बाइक खरीदनी है बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है ज़मीन ख़रीदनी है बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है।, है, है सोना ख़रीद दो वो बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है लेकिन जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो हमारे रिश्ते हैं हमारे ताल्लुक़ हैं व्यूअर्स एक दस साल का पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे मैंने गुज़ारा यहाँ पे एक टाइम गुजारा उसके बाद फिर दो तीन साल के लिए मैं यहाँ पे नहीं थी मैं कहीं मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही थी जब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं यहाँ पर नहीं थी क्योंकि मैंने और मेरे साथियों ने आपस में जो ताल्लुक़ है उसके ऊपर बड़ा इन्वेस्ट किया था वक्त गुजारा था और सिर्फ काम की हद तक नहीं काम से हट के भी सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना एक दूसरे की लाइफ के में में इंटरेस्ट लेना और उसके अंदर फिर इन्वेस्ट करना इस लिहाज से कि भाई अगर कोई किसी टेंशन में हेल्प आउट कर दिया अगर कोई परेशान है तो उनकी बात ही सुन ली या किसी की कोई फ़ैमिली में कोई किसी भाई की शादी है या अपनी किसी की शादी है तो उसको आपने इन छोटी छोटी चीज़ें देखिए ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ वक्त ही होता है टाइम ही होता है और ये वो वाद चीज़ है जिसको हम सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं यानी कि अच्छा जी आ, मेरी फिलहाल से दोस्ती तो खैर है सहेली है बचपन की है ठीक है वो तो अंडरस्टैंड करती है डजेंट मैटर हर उसका अहम चाहे सुख का ओकेजन हो या दुख का ओकेजन हो हर चीज़ को मिस कर दिया देखिए ताल्लुक़ हमारे एक तो अपने ख़ानदान के साथ होते हैं और फ्रेंड्स के बारे में अंग्रेज़ी में हमेशा ये कहा जाता है कि फ्रेंड्स आर द फैमिली यू चूज़ ये वो आपकी फैमिली है जिसको आप ख़ुद सेलेक्ट करते हैं राइट दोस्त तो हम ख़ुद ही चूज़ करते हैं वो हमें चूज़ करते हैं या हम उन्हें चूज़ करते हैं लेकिन वो ताल्लुक तभी चल पाता है जब दोनों एंड से एक एफ़र्ट किया जाता है सो अल्टीमेटली अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं रिश्तों की ताल्लुकात की और इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि हम याद रखें कि इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो पहले अपने रिश्ते ताल्लक़ पे करें उसके बाद फिर जाके अपने महल तमीर करें और अपनी गाड़ियाँ व्हीकल्स जो भी आपने बाइक वोटैर ख़रीदनी है उनको ख़रीदें ये एक छोटा सा मशवरा एक अच्छी सी बात आ, जो है आज आपके साथ शेयर करनी थी हमारा फ़ेसबुक का पेज है मॉर्निंग एट होम इस पर आप जाके कमेंट भी कर सकते हैं अपने सेंटिमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं मॉर्निंग एट होम के नाम से सो so, डेफ़िनेटली हमारे फेसबुक के पेज पे जाएं, अपनी फीलिंग्स अपनी सेंटिमेंट्स शेयर करें हमारे साथ और आप कॉल भी कर सकते हैं बल्कि अभी हम आपकी कॉल भी लेंगे ज़ीरो फ़ोर टू नाइन नाइन टू जीरो ज़ीरो सिक्स फोर एट तो अगर आप भी हमारे शो में कॉल करके अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं तो ज़ीरो फ़ोर टू नाइन नाइन टू जीरो ज़ीरो सिक्स फोर एट आप कॉल कर सकते हैं आइए बल्कि कॉल की तरफ ही बढ़ते हैं आ, नया वीक नया दिन एक नया आगाज़ तो गुफ्तु के साथ ही करते हैं अपने किसी न किसी आ, जो रेगुलर व्यूअर हैं उनके साथ और बल्कि आयशा की कॉल है मुल्तान से और आयशा तो बहुत ही प्यारी हैं मैं जिधर भी जाती हूँ आयशा की कॉल जरूर आती है अस्सलाम वालेकुम सलाम कैसी हैं प्यारी सी जुगन मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्यारी सी आयशा आप कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे तो मैं आप कहीं भी होती हैं तो मैं आपके साथ होती हूँ लेकिन जब पीटीवी पर होती हैं और पहले भी थी तो यकीन कीजिए कि बड़ा मजा आ जाता है क्योंकि पीटीवी तो हमारा होम है और जो है और आपको बहुत बहुत वेलकम और इतनी मुझे खुशी हुई जब मुझे पता चला कि आप पीटीवी पर आ रही हैं मैंने प्रोमो देखा और मैं इतनी खुश हुई और बहुत जबरदस्त शो लेकर आती हैं और मुझे उम्मीद है कि ये भी इसी तरह होगा शो जबरदस्त जाएगा आपका इन शह अच्छा। और आप भी रिश्तों पे बड़ा फोकस करते हो मैंने आपको देखा है जिस तरह आपके साथ मेरा एक ताल्लुक है हम एक्चुअली फिजिकली कभी जिंदगी में एक दूसरे को मिले नहीं है फोन पे भी हमारी कभी बात नहीं हुई हमारी इसी तरह बात होती है हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे लेकिन आपने एक ताल्लुक बरकरार रखा है और इसका क्रेडिट आपको जाता है मैं तो ऑन एयर ही आती हूँ ना आप हमेशा एक एफर्ट करते हो कॉल करने का गुफ्तू करने का तो आप जैसा शख्स जो है वो तो जरूर रिश्तों पे बहुत फोकस करता होगा उनको बहुत अहमियत देता होगा तो आपकी राय भी जानना चाहेंगे जी बिल्कुल मैं कहती हूँ हमारी जिंदगी में सबसे अहम जो होते हैं ना वो रिश्ते होते हैं चाहे वो बहन भाई का है चाहे पेरेंट्स पेरेंट का है चाहे दोस्ती का है हर रिश्ता जो है मेरा ख्याल है बहुत कीमती एहसास है और इसको बरकरार रखने के लिए यही है ना कि हमें एफर्ट करनी पड़ती है और जो है जैसे मैं आपको पता कि मुझे मेरी अपनी वालदा के साथ इतना मजबूत रिश्ता है हर एक का होता है लेकिन मैं जब तक उनका जिक्र ना करूं मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी बिल्कुल और और जब भी कभी आपकी, आपकी आवाज डाउन रही है या कुछ आपसे गुफ्तु हुई है तो आपने हमेशा एक ही बात कही है कि अम्मी की तबीयत नहीं ठीक आपने दुआ करनी है या अम्मी को यू नो अल्लाह हमेशा आपका ऐसा ही ताल्लुक आपकी अम्मी के साथ बल्कि आपके हर करीबी रिश्ते के साथ आपका ऐसा ही ताल्लुक रखें बच्चे ठीक हैं फैमिली ठीक है एज ओके जी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं और जो है बस मैं आखिर में यही एक शेर कहना चाहूंगी ऐसे रहा करें कि करें लोग आल्तो ऐसा चलन चलें कि ज़माना मिसाल दे क्या बात है क्या बात है आयशा एब्सोल्युटली वंडरफुल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग चलिए व्यूअर्स अब बढ़ते हैं किचन की तरफ जहां पे हमारे साथ एक और प्यारी सी पर्सनालिटी है प्यारी सी शेफ हिबा हमारे साथ हैं है. आप वालेकुम आप so आपका टॉपिक है उसके yes. बारे में क्या आपकी ओपिनियन है मेरा भी यही ख्याल है जैसे आपने जिक्र किया कि हर रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर रिश्ता आपकी जिंदगी में एक डिफरेंट रोल प्ले करता है जैसे माँ से आपको ममता मिलती है बाप की सपोर्ट बहन भाइयों से आपका नोक झोंक और प्यार जो होता है वो कहीं और से नहीं मिल सकता तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन दीज रिलेशनशिप्स और वही चीज़ है ना कि आजकल तो एक एक रैट रेस है कि बस पैसे कमाने हैं exactly. ये करना है वो करना है ये चीज़ लेनी है वो चीज़ चीजें तो सब अपनी जगह है लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है एक आलिशान महल है गाड़िया हैं ये है वो है सारा कुछ है लेकिन एक सिंसियर शख्स आपकी जिंदगी में नहीं है आप फिर अकेले हो जाते हैं इट मैटर बिल्कुल जो सारी चीज़ें होती हैं वो फिर मायने ही रखते हैं एंड यू सी यही तो बात है इसी को तो हम जिंदगी का एक चैलेंज कहते हैं गेम ऑफ लाइफ That's जब true. हम खेलते हैं तो उसमें आपको ये तो अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि बैलेंस मियाना रवि हाँ, तोजुन जो है वो लेके चलना कितना इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेन्यू क्या है आज का हमारा मेन्यू आज का बहुत मजे का है चाइनीज हमने डिशेस रखी हैं स्टिकी चिकन स्टर फ्राई विद गार्लिक राइस और डिजर्ट में हम बना रहे हैं सॉल्टेड कैरमल क्रंच जरा की okay. ताकि हमारे जैसे जैसे आप कर रहे हो तो नजर भी डाल ठीक है चिकन uh, बोनलेस एक किलो उसके साथ हमें आटा या मैदा आप ले लें दो खाने के चम्मच और कॉर्नफ्लोर दो खाने के चम्मच उसके साथ आपने लेना है नमक सफेद मिर्च सोया सॉस आधा आधा चाय के चम्मच और तेल आप आपने लेना है फ्राई करने के लिए तो डेढ़ अंडे का क्या हिसाब है डेढ़ अंडे का ये हिसाब है कि आ, दो खाने के चम्मच बेसिकली फेंट के ना उसको आपने बस उसमें से दो चम्मच निकाल लेने हैं क्योंकि वन के चिकन के लिए हमें इतना अंडा ही चाहिए ओके वरना वो ज्यादा रनी हो जाएगा और, वो और बैटर स्... स्टिकी, स्टिकी, स्टिकी हो जाएगा स्टिकी हो जाएगा ठीक है इसलिए ओके okay, और इसको बनाने का तरीका इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है इसके लिए आपने क्या करना है चिकन को स्लाइसिस में कट कर लें उसके अलावा बाकी जो सारे इंग्रीडियंट्स मैंने आपसे शेयर किए आपने अपने बोल में अच्छी तरह विस्क के साथ मिक्स कर लेने हैं चिकन को एटलीस्ट तीस मिनट के लिए आप मैरिनेट करके उसको डीप फ्राई कर लेंगे उसके बाद जो हमारी स्टिकी सॉस है उस पर हम आते हैं स्टिकी सॉस के लिए आपको चिली गार्लिक सॉस चाहिए एक कप सोया सॉस आधा कप ऑयस्टर सॉस और शहद आपको चाहिए एक चौथाई कप नमक हंसबे ज़यका आपको चाहिए काली मिर्च दो टीस्पून और वेजिटेबल्स में हम यूज़ करेंगे शिमला मिर्च प्याज और गाजर डेढ़ कप और लहसुन अदरक उसका भी बहुत आसान तरीका है सॉसेज स्पाइसेस और लहसुन अदरक को आपने बॉल में विक्स विक्स कर लिया आपने उसको कढ़ाई में डाल के पका लिया जब तक वो बबल अप होने लग जाए हाँ। जो आपका फिर फ्राई किया हुआ चिकन है और वेजिटेबल्स कर, कर, कर लेना है। और आपको पता है, में तो का रहता है। और वेजिटेबल्स तो का रहना चाहिए चाहिए exactly. सारा का सारा जो बेनिफिट है भून भून के वो पका पका उसकी सारी जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गया ओके सो ये तो हो गया हमारा चिकन यस What about the next recipe? Next recipe garlic rice बनाएंगे साथ hmm. उसके लिए हमें चाहिए तेल एक चौथाई कप गार्लिक स्लाइस भी एक चौथाई कप चावल हमें चाहिए आधा किलो बॉयल्ड राइस और नमक काली मिर्च सोए सॉस एंड स्प्रिंग अनियन उसका भी बहुत ईजी तरीका है ऑयल आपने सबसे पहले कढ़ाई में डाल के उसमें लहसन डाल के उसको भून लेना है जब उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर आपने उसमें चावल सोए सॉस नमक काली मिर्च स्प्रिंग अनिया डाल के उसको तेज़ आंच पे बस मिक्स कर लेना दैट्स ऑल यस डन ओके एंड डेजर्ट की रेसिपी यस डेजर्ट की रेसिपी है आज हम बना रहे हैं सॉल्टेड कैरमल डेजर्ट उसके लिए कैरमल सॉस हम ख़ुद बनाएंगे जो कि काफ़ी चीज़ों के साथ आप यूज़ कर सकते हैं सो so, उसकी रेसिपी ये है आपने ले लेनी है चीनी 125 ग्राम बटर 20 ग्राम क्रीम 200 ग्राम मीठा सोडा आप ले लें ले, आधा चाय का चम्मच और नमक ले लें ले आप जस्ट अ पिंच थोड़ा सा अगर आपने सॉल्टेड बस क्या करना है पहले चीनी मेल्ट कर लेनी है फ्राइंग तो पैन में जब तक उसका गोल्डन कलर आ जाए ज्यादा डार्क नहीं करना आपने उसे फिर उसमें अपने चूल्हे से हटा के बटर मिल्क क्रीम डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और फिर आपने मीठा सोडा और नमक एंड पे डाल के वस करके और ठंडी कर लेनी है दैट्स इट फिर इसको हम विप क्रीम के अंदर मिक्स कर लेंगे और हमने किसी भी डिश में या सर्विंग ग्लास में केक के लेयर लगानी है विप क्रीम की लेयर और कुछ क्रीम जो हमने सेपरेट रखे हैं वो हम उसकी लेयर लगाएंगे और ऊपर से हम बनानाज और क्रंच डाल देंगे पीनट क्रंच काम ही मैं बता देती हूं आपको उसके लिए हमें चीनी चाहिए 200 ग्राम और पीनट्स 100 ग्राम अच्छा ये सारी चीजें जो हैं इनके yes. अंदर आपने पानी नहीं डालना yes. सबसे बड़ा इशू ये होता है, है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कैरमल बन जाए क्रंची कैरमल बन exactly. जाए तो वो आपने चीनी को पैन में डाल के चूल्हा ऑन करके छोड़ देना है वो हाँ जब मेल्ट हो जाएगी तो फिर खुद ही उसका अगला स्टेप होगा कि वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगी बस आपने नजर रखनी है और मिक्स भी इतना नहीं करना पड़ता तो वो परफेक्ट खुद ही तैयार हो जाती है पर सिर्फ ये देखना है कि आपको जब लग रहा है कि वो डार्क ब्राउन हो गई है तो समझे वो सड़ गई है हाँ, वो है जब लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन के बीच का कलर आ जाता है ना क्योंकि अगर वो इस कलर पे चली जाती है ना जो ये डार्क ब्राउन कलर है hmm. तो आप सोचें कि अब वो जल गई है क्योंकि उसने को खोते रहना इवन जब आप उसको रोक देंगे वो गर्म रहती है सो so, कैरमल सॉस तो हमारे घर में बड़ा ही फेवरेट अच्छा, है अच्छा दैट्स तो वो great. मैं रेगुलरली बनाती रहती हूं लेकिन खैर चलो आप अपना काम स्टार्ट कर दो तो बेटा और हम व्यूअर्स आपके साथ अब शेयर करेंगे हमसे मुराद मैं और मेरी टीम हमसे मुराद मैं ये अक्सर क्लियर करती हूं कि हमसे मुराद ये नहीं कि मैं ही एक हम हो गई हूं इतनी मैंने अपने आप को कभी इंपॉर्टेंस और वैल्यू नहीं दी तो अब ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमें ज्वाइन करेंगी तबीबा मासूमा जहरा आ, उनसे मुलाकात होगी जैसे कि आप जानते हैं और अगर नहीं भी जानते तो आ, हर्बल आयुर्वेदिक एक्पेंचर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी गाइडेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है वो ये है कि अगर आप एलोपैथिक को होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक के साथ लेके चले एलोपैथिक से मुराद ये कि जो हम मेडिसन और दवाइयाँ और ये चीज़ें लेते हैं ऑन रेगुलर बेसिस आ, अगर हम आ, उनके साथ साथ देखिए हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अगर हम आपको कोई हल बता रहे हैं डायबिटीज़ का शुगर का या जब का तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारा कुछ ही लेना छोड़ दें आप अपनी रेगुलर मेडिसिन को कंटिन्यू करें अगर आपको इंसुलिन इस्तेमाल करनी है तो आप इंसुलिन भी इस्तेमाल करें लेकिन उसके साथ जो हर्बल टिप्स या आयुर्वेदिक टिप्स बताई जाती हैं उनको भी फॉलो करें ताकि दोनों तरफ से आपको बेनिफिट हो और बेस्ट थिंग अबाउट आयुर्वेदा एंड अबाउट हर्बल ट्रीटमेंट्स एंड अबाउट इज इसके अल्लाह का शुक्र है साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं होते तो आज डिस्कशन करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पे एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स आई होप के सबकी मंडे मॉर्निंग खुशगवार गुजर रही होगी हमारी तो बहुत ही खुशगवार गुजर रही है क्योंकि अब हमें जॉइन किया है तबीबा मासूमा जहरा ने uh, मासूमा एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको बहुत ज़्यादा लगाओ और बहुत ज़्यादा आ, इसके ऊपर ये फोकस भी करती हैं कि नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक तरीक़ों से चाहे वो चाइनीज़ मेडिसिन ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के थ्रू हो टीसीएम भी जिसको कहते हैं एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हैं तो सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम जुबैन क्या हाल आप? है आप बताओ बिल्कुल ठीक अच्छा एक्चुअली मसूमा जी डॉक्टर्स ने तो अब बहुत से अपने फॉरम्स और प्लेटफॉर्म्स बना लिए हैं ऑनलाइन जाके हम बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पे भी देख लेते हैं बट आई फील कि अभी भी आयुर्वेदिक मेडिसन टी सी एम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसन और एक्यूपंक्चर पे उस लेवल पे बात नहीं हो रही हर्बलिस्ट फिर भी बात करते हैं जिस तरह आप पी करते हो तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये जो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट होता है आयुर्वेदिक वॉट इज़ आयुर्वेदिक देखो जी ये कहो कि एक एक ही गुलदस्ते के मुख्त फूल हैं चाहे वो आप दिप की बात कर रहे हो चाहे आप वेद की बात कर रहे आयोवे� हो चाहे ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की बात करें तीनों ही में हम हर्ब्स की बात करते हैं लेकिन सिर्फ हम ये फ़र्क ये है कि थोड़ा सा आपकी थ्योरी में थोड़ा सा फ़र्क है और वो भी बहुत माइनर डिफरेंस है जिस तरह ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में हॉट कोल्ड एंड वेट की बात होती है तो वही लफ्ज़ को अगर हम वेद में बात करते हैं तो वाता पिता एनकाफ़ा कह देते हैं और उन्हीं चीज़ों को अगर हम तिब में बात करते हैं तो गुद्दी उजलाती और असाबी बीमारियाँ बोलते हैं तो यानी कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो ऑलमोस्ट बात एक जैसी है आयुर्वेद में यह है कि हम फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी कुछ काम करते हैं जिसके अंदर जिस तरह तबीब है वो आपकी नब शनासी करता है ऐसे ही वेद भी आपकी नब शनासी करता है और ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में भी पल्स रीडिंग का बहुत बड़ा रोल है और आपको पता है कि मैं पल्स रीडिंग के तौर पल्स रीडर के तौर पे ही ज़्यादा मैं जानी जाती हूँ उसमें होता यह है कि हम बॉडी टाइप को डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सी बॉडी टाइप है आपकी यानी आपकी डोशा या आपकी टेम्परमेंट क्या है मजाज क्या है आपका उस मजाज के अगेंस्ट जो है बीमारी का इलाज किया तो जाए वो आप कैसे गेज करती हैं ये एक बहुत बड़ी और प्रॉपर साइंस है जिसमें हम पल्स रीडिंग करते हैं आपकी पल्स के मुख्त रिदम्स हैं उन रिदम्स को जानते हुए बॉडी की पर्सनैलिटी मुख्तलि आपके चेहरा चेहरा शनाशी करके आपकी ज़ुबान को देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी टाइप क्या है सो so, अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या मैं आपके पास बैठ के आप मेरा वो कर सकती हैं सारा कुछ गेज अभी? हाँ बिल्कुल कर सकती मैं आपके पास फिर आती हूँ और आप मुझे बताइए पल्स राइट या लेफ्ट बोथ बोथ अच्छा जब हम दोनों नब्स देखते हैं तो हम मुख्तलिफ छः ऑर्गन ट्रेडिशन चाइनीस मेडिसिन में देखते हैं नब्स शनासी करने में हमें जो पल्स रीडिंग हम करते हैं कन्वेंशनल मेडिसिन में वहाँ पे हम सिर्फ बीट को काउंट करते हैं आपकी पैल्पिटेशन देखते हैं यहाँ हम इसके रिदम को देखते हैं आया ये डांसिंग पल्स है फ्लोटिंग पल्स है डीप पल्स है हाई पल्स है इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं अब आपकी पल्स जो है ना प्योरली एक वाता पर्सनैलिटी पल्स है वात मतलब ड्राइनेस वात मतलब बेचैनी वात मतलब ये लोग बहुत मिलनसार मिलने जुलने वाले लोग होते हैं अब बहुत ज्यादा मेडिकली अगर हम दूसरों को अगर कुछ कहेंगे तो सबसे पहले देखिए अभी बात करेंगे हमने आधे सर के दर्द की बात करनी है जब हम हाफ हेड के दर्द की बात करते हैं तो माइग्रेन भी उसको कहा जाता है अब आई सफर फ्रॉम माइग्रेन अलॉट मतलब मुझे महीने में दो तीन दफा माइग्रेन होती ही होती है अब अगर आपकी बॉडी टाइप के अगेंस्ट बात करें तो आपकी लेफ्ट पल्स जो है वो वाता पल्स है और राइट पे काफ़ा यानी कोल्ड सिंड्रोम चल रही है वरना कुछ ऐसा क्या आजकल आप फूड ऐसा ले रहे हो जो एल्कलाइनिटी की तरफ आपको लेके जा रहा है इसके अंदर इस पल्स के अंदर यूजुअली आपके ब्लड जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है अच्छा अब आपने चेक कर लिया जो आपने हाँ। करना था चले मैं वापस वहाँ आ जाती हूँ ताकि आपके लिए वो जो वो गुफ्तगु करने में आसानी हो जाए ओके सो okay, so हमने आप चेक कर लिया और आप अब हम ऐसे में क्या करेंगे कि हम कहेंगे जी फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ाएं चेहरे की तरफ फ़्लो ऑफ ब्लड बढ़ाएं चेहरे की तरफ और सर की तरफ तो आपकी तकलीफ में कमी आएगी इसमें थ्रू एक्यूपंक्चर अगर बात करें तो आपके चैनल्स को स्टमक चैनल्स को हम ट्रीट करेंगे अगर वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ एक स्पेसिफिक ऑयल है जो आगे जाके मैं बनाना भी बताऊंगी जो कि घर पर भी कर सकते हैं तो काफ़ा और वाता पेशेंट अगर वो इस चीज़ को ऑयल को जिसको हम शुरू धारा बोलते हैं एक धार के साथ तेल को एक घंटा सर पे डालें तो ब्लड फ्लो भी बढ़ता है आपका और ब्लड की कमी दूर करने के लिए कुछ हैं अगर वो लें तो वो बेहतरी की तरफ चला जाए बिकॉज मुझे याद है कि हमने ये अब आपने घर पे बेची पे थी अपनी टीम सारी और फिर मैंने ये करवाया था और ऑनेस्टली टू मंथ्स मुझे माइग्रेन नहीं हुई वरना hmm. हर महीने जैसे कि मैंने व्यूर्स आपके साथ शेयर किया है दो से तीन दफ़ा मुझे माइग्रेन होती है और व्यवर्स जिसको आधे सर की दर्द होती है ना और लोग कहते हैं ज़्यादा ख़्वीन में होती है ख़ौन और मर्दों दोनों में दोनों होती में होती है, है।, होती है देखो ख़वान में होती है वो हार्मोन रिलेटेड होती है डेफिशिएंसी ऑफ़ ब्लड रिलेटेड होती है जो कि खातन में ज़रा ज़्यादा होती है आपके आपकी मंथली साइकिल की वजह से फिर आपकी न्यूट्रंस की कमी की वजह से क्योंकि डाइट के शौक में हम जब करते हैं अननेसेसरी राइटिंग करते हैं तो तब भी आपकी मुख्तलिफ न्यूट्रंस कम हो जाते हैं तो खातन में ये तकलीफ ज़रा ज़्यादा है नस्बतान लेकिन मर्दों में भी उसी तरह पाई जाती है जिस तरह अवतिन में एंड यू सी आधे सर की दर्द कहते माइग्रेन कहते जो भी आपने उसको टर्म देनी है एट एंड ऑफ द डे ये आधे सर की जब दर्द होती है व्यूअर्स तो एक्चुअली आपसे एक हल्की सी लाइट की रे भी आ रही हो ना कमरे के अंदर तो, तो आपकी चीखने की अच्छा यहाँ पे हम बात करेंगे ना अगर सर दर्द की तो ये مختلف तरह के होते हैं आधे सर की दर्द जिसको आप माइग्रेन बोलते हो फिर क्लस्टर हैडिक्स हैं जो आपकी आंखों की सॉकेट्स के अंदर होती हैं फिर स्ट्रेस हेडिक्स भी है। स्ट्रे... स्ट्रेस हैंस यूजुअली मर्दों को जरा ज़्यादा होती हैं जिसके अंदर आपके सर के माथे के ऊपर आपको बैंड की लुक आती है कि जिस तरह किसी ने कस के बैंड सा बांध दिया है हम ऐसे में कहेंगे कि ऐसे अफराद जिनको ऐसी तकलीफ है वो अपनी एसिडिटी को देखें कि ये सर की दर्द हमेशा सिर्फ ये नहीं कि आप फ़ोकस कर लो कि ये सर के ऊपर ही है या आपके हाजमे से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको इकट्ठा देके के जैसे आगे हम बात करते जाएंगे तो हम इसकी डीपली इसके ऊपर बात कर लेंगे अच्छा अब आप मुझे ये कि क्योंकि देखिए अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन में बात करें तो माइग्रेन को सौ फीसद ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं है आप एक मेडिसिन लेते हैं उस मेडिसिन से आपको कुछ घंटों में सुकून आ जाता है और आप फिर अपनी लाइफ पे रिकनटिन्यू मतलब कंटिन्यू कर जाते हैं लेकिन इसको प्रॉपर ख़त्म करने का कोई अभी तक हल नहीं ढूंढा क्योंकि मेरे सी टी स्कैन भी हुए मेरे एम आर आईज भी हो, भी हो अपना पर्सनली भी और जनरली भी क्योंकि मेरी अम्मी को भी होती है मेरी बहन को भी होती है एंड देन अगर मैं अपनी फॉर एक्ज़ाम्पल अगर मेरी दस सहेलियाँ हैं तो उनमें से आधी सहेलियों को तो होती होती है। देखो जुगन इतनी क्यों होती है मैं वही बताया कि आपकी डाइट इससे रिलेटेड है आपका इन्वामेंट इससे रिलेटेड है ये सारी चीज़ें इससे देखिये हर मेडिसिन की एक अपनी डोमेन है जिस तरह कन्वेंशनल मेडिसिन है वो खूबसूरत तरीन काम कर करी अपनी फील्ड में बहुत आगे गई इस तरह होलिस्टिक साइंस भी इसके भी एक अपनी डोमेन है अपनी एक हद है हदूद है अनफॉर्चुनेटली हम अपने माशरे में देखते हैं कि हम सब अपनी हद से निकल के बात करते हैं एक हिकमत में अगर देख लो तो कहेंगे चार इंच बड़ा हो गया पिते से पथरी एक चीज़ जो पॉसिबल नहीं है पथरी का साइज़ बढ़ा है तो वो दावा नहीं करना चाहिए इसी तरह बहुत सारी चीज़ें कन्वेंशनल मेडिसिन में भी हैं कि जिस चीज़ का इलाज नहीं है मुझे पच्चीस साल हो गए इस फील्ड के अंदर और अलहमदिल्लामदिल्ला सक्सेसफुल पेशेंट्स की एक लंबी लिस्ट है जिसके अंदर उनको कभी सर दर्द दोबारा नहीं हुई सिर्फ फ़र्क क्या है कि हमारी फील्ड के अंदर देखा जाता है कि डिफ़िशनसीज़ क्या है आप अपनी डेफिशिएंसीज को कंप्लीट करो आप अपनी बॉडी को ओवरऑल ठीक करो अपनी डाइट ठीक करो और उसके साथ जब बैलेंसिंग करते हैं तो वो फिर दोबारा कभी सर दर्द नहीं आते वही तो बात है व्यूअर्स अब जैसे कि मासूमा जी से मेरी एक तो पहले भी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि लोग तो दावा करते हैं कि हम डायबिटीज़ को शुगर को डायबिटीज़ को पूरी तरह जो है वो रिजॉल्व कर देते हैं तिब के थ्रू तो इन्होंने भी मुझे यही कहा कि भाई अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आपने अपनी इंसुलिन नहीं छोड़नी हम उसके साथ साथ आपका जी, करेंगे ये दोनों फील्ड अगर पैरेलल चलती हैं तो मैजिकली अफेक्ट देती हैं आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो आपकी इंसुलिन की इनटेक जो आप लगा रहे हो डोज वो कम हो सकती है, है। हाँ कई केसेस में ऐसे होता है कि अगर हाजमे की ख़राबी की वजह से अगर जिस हमारी फील्ड कहती है कि हाजमा मेदा उमुल अमराज है आप मेदे को ठीक करते तो कोई कई बहुत सारे केसेस में बॉडी बहुत अच्छा रिस्पांस देती है तो हो सकता है कि आपकी इंसुलिन बहुत कम हो जाए लेकिन दावा करना अपनी हदूद से बाहर निकलना इसके मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ दावा तो सिर्फ हाँ। ताला ही कर सकते हैं हमारी यह है कि हाँ के हम बहुत रिजल्ट मिल सकते हैं पॉइंट ये है कि आप कहना कितना अच्छा मान रहे हो अब देखो हम हदीसी पाक है कि अगर आप इलाज से बेहतर परहेज हमने इसको एक सरसरी सा सुन के हम गुजर जाते हैं जबकि ये वाकई बात है कि आपके हर इलाज से बेहतर है क्या परहेज़ कर लो और यही परहेज़ आपको वेद भी बताता है ट्रेडिशनल मेडिसिन भी बताती हैं और तिब भी हमारी परहेज पे ही ज़्यादा जोर देती है तो ये आपने जो पेट की बात की हम अगैन हम जब बात करते हैं जिसम का सबसे जो कीमती एसेट है सासा है वह आप एक्चुअली आपका पेट है क्योंकि अगर आप अपने हाज़मे को निज़ाम हजम को सीधा कर लें तो आप अपनी पूरी की पूरी जो है सिस्टम को सेट कर सकते हैं। कर सकते। आपके पास रिपेयरिंग की कुत है मैं हमेशा कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी हो रही होती है तो कहते जी आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना आपने सिंपल काब्स का इस्तेमाल नहीं करना आपने ये नहीं करना वो नहीं करना क्यों क्योंकि आपकी डाइजेशन का ताल्लुक है उसके साथ बड़ा ताल्लुक है देखो मैं आपको बताऊं आपके एक छोटी सी मिसाल देके बात करूंगी ताकि हमारे सबको ये बात समझ आ जाए आपके पास इतनी बड़ी हीलिंग पावर है कि आप अपनी हड्डी जैसी मजबूत चीज को जोड़ सकते हैं हाँ। आप एक रेस्ट मोड पे जाते हो और उस रेस्ट मोड के बाद एक पॉजिटिव नोट आपको डॉक्टर दे देता है दस हफ्ते आठ हफ्ते के बाद आपका ये खुल जाएगा प्लस्तर आप ठीक हो गए अब आप दो काम कर रहे हो एक अच्छा सोच रहे हो पॉजिटिव काउंट डाउन की तरफ आगे एक रेस्ट मोड हमें पता लग गया कि इस तरह करेंगे तो ये बॉडी हील करती लेकिन है। लेकिन उसके साथ साथ आपको कैल्शियम भी दिया जाएगा आपको चारे... फिर कहा जाएगा। कि ये खुराक आपने साथ है। है तो बिल्कुल खुराक का रोल 70 है, 30 कोई भी ट्रीटमेंट ही देखिए मैं कल बल्कि पढ़ रही थी कुछ आयर्नजॉर्बन से रिलेटेड ना इन्फॉर्मेशन तो आपने काफी दिन पहले मुझे ये एक बात कही थी तो मैं पढ़ रही थी क्योंकि मेरी भी आयरन का ऊपर नीचे होता रहता है मामला तो पढ़ रही थी कि भाई आयरन की कमी क्यों क्यों होती है एक तो अगर आपके सिस्टम के अंदर मतलब आप सही तरह से उसको खा नहीं रहे फ्ला फ्लॉ फ और तीसरा उसका जो जो मेन रीजन था वो ये था कि आपका जिसम उसको नहीं कर रहा बिल्कुल ऐसे ही और वो आपके निज़ाम के सेकंड पोर्शन में आपका ड्यूडिनम अच्छा काम नहीं करता आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छा काम नहीं करती कब नहीं करती जब हम खाने को खुराक को बैलेंस्ड नहीं खाते अब हम यहाँ बैलेंस खुराक की बात करते हैं समझते हैं कि सब्जी गोश्त डेरी और फल आप ले रहे हो तो ये एक बैलेंस डाइट है बींग एन आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट और टी सी स्पेशलिस्ट हम कहेंगे कि नहीं अगर गोश्त आपके पास एक ट्रे पड़ी है जिसके माश की दाल है दालों में आलू गोभी है सब्जी में केला कीनू पड़ा हुआ है और साथ में बीफ पड़ा है तो वो कहीं से भी बैलेंस डाइट नहीं है वो सारी एसिडिक डाइट है सो बैलेंस ऑफ एसिडिक और एल्कलाइन ज्यादा बेहतर है तो अगर आपने गोभी खानी है तो कम अज कम उसको मटन के साथ बनाएं बीफ के साथ ना बनाएं ये कॉम्बिनेशन हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अलहमद चैनल्स के थ्रू और अब पी टी वी मार्शा आइट थ्रू ये फैलता जा रहा है कि हम जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेते हैं ना काश हम सिलेक्शन ऑफ फूड मेडिसिनली करना शुरू कर दें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा बट यही तो चीज़ है ना कि इंसान किस तरह से इस डायरेक्शन में जाए इसीलिए हमने सोचा कि आपके साथ मसूम जी एक सेगमेंट स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम जिस तरह आज आधे सर की दर्द की बात कर रहे हैं आगे जाके हम डायबिटीज़ पे, जा। पे भी बात करेंगे हम आयरन डिफिशेंसी पर भी बात करेंगे हमने हर किस्म की बात पर डिस्कशन करनी है बिकॉज़ व्यूअर्स अल्टीमेटली मॉर्निंग एट होम का एक ही गोल है आपको एंटरटेन हमने ज़रूर करना है लेकिन उसके साथ साथ कोई पते की बात कोई यूज़फुल चीज़ जिसका आप फ़ायदा भी उठा सकें अब मुझे पता है कि आधी दुनिया नहीं तो चले एक चौथाई दुनिया तो माइग्रेन से सफ़र करती है और जिसके घर में किसी शख्स को माइग्रेन हुई होती है वो पूरा का पूरा घर बिल्कुल चुप सन्नाटे में बैठा होता है कि इनकी कि जब सर की दर्द ठीक होगी तो फिर चीजें नॉर्मल होंगी घर के अंदर सो so, एक रिक्वेस्ट है कि जब हम इस ये ये वाला सेगमेंट स्पेशली करते हैं अपने साथ पेपर पेंसिल जरूर रखा करें और चीजें नोट डाउन किया करें क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं छोटे छोटे लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं जो आपकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ अगर ये ऐड कर देंगे तो वो उसको बहुत अच्छा तो अब ब्रेक की तरफ चलते हैं जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं ही एक्यूपंक्चर करा लेती हूँ मैं एक्यूपंक्चर कराऊंगी आज देखिए माइग्रेन sure. की प्रॉब्लम है अगर मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ तो जो चीज़ मैं अगर अपने ऊपर नहीं करने के लिए तैयार फिर मैं आपको क्यों कह रही हूँ आपने देखे ब्रांड्स भी मैं वही इंडोस करती हूँ जिनमें मैं खुद यकीन रखती हूँ इफ़ आई डोंट बिलीव इन समथिंग आई डोंट सपोर्ट इट सो ब्रेक के बाद आएंगे बिकॉज मैं खुद भी माइग्रेन से सफ़र करती हूँ हम एक्यूपंक्चर मेरे पे करेंगे और एक और हमने बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट करनी है बिल्कुल वो भी हम ब्रेक के बाद आपके साथ ऑन एयर शेयर करेंगे वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स तबीबा मासूमा जहरा हमारे साथ है फौरन, फौरन में एक सेटअप ही लगा दिया पूरा का पूरा क्या सिचुएशन अच्छा है ये हम मुख्तलि ट्रीटमेंट्स जैसे बता रहे हैं तो मैं खुराक से रिलेटेड और एक्यूपंक्चर से रिलेटेड इसके बाद में हम पहले वेद की बात कर लेते हैं और हम बात कर रहे हैं अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है आधे सर का दर्द या जिसको हम माइग्रेन भी कहते हैं अगर आप सफ़र करते हैं या आपका कोई जानने वाला सफ़र करता है तो ये बड़ी यूज़फुल ट्रीटमेंट्स हैं बिकॉज मुझे पर्सनली भी इन्हीं से सुकून मिला जी बिल्कुल अच्छा इसको हम बोलते हैं श्रुधारा इसमें स्पेसिफ़िकली बॉडी टाइप के अगेंस्ट जिस तरह इनकी बॉडी टाइप है मैंने सेलेक्ट किया एक ट्राई डोशिक ऑयल में बताना बनाना भी बता दूँगी ये उस वक्त करना है कि जब आपका सर दर्द अभी हो ना रहा हो इस चीज़ को याद रखें कि जब अगर सर दर्द हो रहा है श्रुध करेंगे तो थोड़ा सा वो ज़्यादा हो सकता है ये परमानेंट इलाज है अगर आप सर दर्द से जान छुड़ाना चाहते हैं हफ्ते में दो से तीन बार अकॉर्डिंग टू

तीन दिन आप वो खाते रहो और उसके बाद आप अपने करीबी किसी वेद डॉक्टर से तबीब से जाके कर श्रुधारा करा सकते हो इसमें हमने इनको जिस तरह किया क्लिंस कर लिया तीन दिन के लिए उसके बाद अब हम इनकी श्रुधारा ट्रीटमेंट शुरू करेंगे पेशेंट को रिलैक्स पोजीशन पे लिटा देते हैं और उसके बाद एक स्पेसिफ़िक ऑयल जो भी उससे उसकी बॉडी टाइप के रिलेटेड है वो डाल के और फिर आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 45 मिनट्स के लिए उसके ऊपर गिराया जाता है ये बहुत रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट है ये बहुत सुकून से किया जाता है 45 फाइव गुड फोर्टी फाइव मिनट्स सिर्फ माथे पे ये इस तरह से गिराया जाता है अब ये करता क्या है ये आपकी ब्लड फ्लो बढ़ाता है मैं बता रही हूँ कि अगर सर दर्द है उस दिन आप नहीं करा सकते ठीक है लेकिन उसका इलाज भी इसी के अंदर है आप उससे आगे अपने डिफरेंट डेज के अंदर आपका जैसे डॉक्टर या तबीब आपको बताए आप कर सकते हो ये एक स्पेसिफिक धार के साथ एक स्पेसिफिक रिदम के साथ ये ऑयल पोरिंग की जाती है एक घंटा एक लीटर ऑयल इसी तरह गिराया जाता है अच्छा जुगर आपको पता है जब हम पेशेंट्स के साथ ये करते हैं तो इसमें बहुत सारे पुराने ब्लॉक्स खुलते हैं इतना रिलैक्सिंग एक ट्रीटमेंट है बिकॉज मैंने जब कराई थी ना तो मुझे बीच में ना कोई आधे घंटे बाद रोना ना शुरू हो गया लाइक like, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे मैं अपसेट नहीं थी हाँ। बट ऐसे था कि जैसे वो कुछ दरवाजे जा रहे के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि जो भी आपने अपने ब्लॉक्स लगाए हुए हैं आपके मुख्तफ ऐसी सोचें तकलीफें परेशानियाँ जो आप किसी से इजहार भी समाइम नहीं करते और पता है कभी कभी मरीज को एहसास भी नहीं होता कि ये चीज हमें तंग कर रही थी सो श्रुधारा ऐसे में बहुत मेरे असर करता है हम इस तरह ये एक धार के साथ डालते जाएंगे इससे रिदम अच्छा होता है आपका अपर चक्रा खुलता है इसको हम एक्यूपंक्चर में कहते हैं कि आपका डू चैनल जो मिडिल चैनल है इसको नरिश करते हैं जहाँ पे डू ट्वेंटी तौर पर एक पॉइंट है यहाँ पे सर पे इसके साथ साथ मसाज किया जाता है और वो पॉइंट अगर नरिश हो तो वहाँ पर हंड्रेड चैनल्स आपके गुजर रहे हैं जो कि आपकी बॉडी को नरिश करते हैं ये वो पॉइंट है जो मैक्सिमम रिलैक्सेशन पॉइंट है आपकी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के अंदर ही अच्छा अब ये इसको कंटिन्यू कर लें बेटी आप इसको कंटिन्यू करो और हम आ जाते हैं एक्यूपंक्चर की तरफ अब मुझे बताइए कि मैं यहाँ आ जाऊँ यहाँ यहाँ आ जाओ यह हाँ, आ आ यहां आ जो यहां मैं ये राइट हैंड साइड पे इधर आ जाती हूँ आपके पास देखिए बात बड़ी सिंपल है व्यूअर्स मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि ये चीज़ ट्राई करें वो चीज़ ट्राई करें और इस बार यही डिसाइड किया कि जो भी चीज़ ट्राई की जाएगी आपके साथ ऑन एयर विजुअली करेंगे ताकि आपको भाई अगर रिकमेंडेशन कर रहे हैं तो खुद भी तो करें ना हम अक्सर ये मैं जब डॉक्टर्स के पास जाती हूँ मुझे कहते हैं आप ये कर लें तो मैं कहती हूँ कि जी आपको ये अगर इश्यू हो तो क्या आप भी ये करेंगे जब वो कहते हैं हाँ तो फिर मैं कहती हूँ ओके अच्छा <laughs> तो अब 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 हम क्या क्या देखो बॉडी के समझाए हमारे है सबसे बड़ी, बड़ी बात आपके जिसम में मुख्तार दो एक जिसको हम जानते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम इससे ऊपर एक सिस्टम है जिसको हम मेरिडियन सिस्टम कहते हैं ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एनर्जी चैनल्स हैं आपके हर इनर ऑर्गन का एक आउटर सर्किट है वो आउटर सर्किट जो है वो चैनल्स कहलाता है उन चैनल्स पे मुख्तलि न, एनर्जी पॉइंट्स हैं अब एक्यूपंक्चर नेडल क्या करती है इसमें कोई दवाई नहीं होती ये बहुत माइनर नेडल है पहला सवाल जो मरीज़ का आता है क्या इसमें दर्द होगी तो बहुत छोटे बच्चे भी बहुत आराम से लगा लेते हैं अगर कैमरा क्लोज़ करके हम दिखा सकें तो ये बहुत ही पतली सी एक नेडल है जिसको हम लगाते हैं अच्छा इसकी दर्द नहीं होती है अब ये एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे क्या करते हैं जैसे ठहरे हुए पानी में कंकर आप एक डालोगे एनर्जी वेव्स निकलनी शुरू हो जाएंगे और वो एनर्जी वेव्स आपके मुख्त चैनल्स को आ, रेगुलेट करेंगे अच्छा, जिसको राइट साइड या लेफ्ट साइड पे दोनों पे लगेंगे मैं चैनल्स भी बताते जाऊँ जैसे मैंने बोला था कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि पहले हाजमा ठीक करें सो हम एक्यूपंक्चर करते हुए जो करेंगे कि हम पहले आपकी लार्ज इंटेस्टाइन क्योंकि मेरे लिए लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन ये दो ऑर्गन हैं जो कि सर दर्द का बेसिक कॉज हो सकते हैं सो hmm. हम so, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन चैनल एल एल आई फोर जिसको हुगु बोलते हैं ये मेन वो पॉइंट है जो कि पेन किलर पॉइंट है आपकी एल्बो से ऊपर जितना भी दर्द है चाहे वो आँख का दर्द कान का दर्द hmm. सर का दर्द आपकी दांतों का दर्द उसमें ये इस्तेमाल होता है सो so, हम पहले रेगुलेट करते हैं इसको इसको थोड़ा सा स्टेमुलेट करेंगे ताकि एनर्जी जो है वो ट्रेवल करे इसके साथ एल आई इलेवन एल आई इलेवन का काम है लार्ज इंटेस्टाइन इलेवन अब मुझे बताओ दर्द हो रही है नहीं डर लगता है सिर्फ देखने में लगता ना लगता है क्योंकि आप क्या हो रहा है हालांकि लेकिन इसका कोई भी पेन एस सच नहीं है होता तो आपको यहाँ नजर आ रहा होता चेहरे के ऊपर सो ये LI 11. ज्यादा दर्द होता है वो जब आप उसको साथ लगाती हैं वो अंदर जाने का तो पता ही नहीं चलता वो हाँ। इतनी थिन सी आई थिंक नीडल है कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अच्छा व्यूअर्स ये दिखाने का रीजन भी ये है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि हम हर चीज को जो अवॉइड करते हैं उससे घबराते हैं डरते हैं लेकिन कोई मेडिसिन गोली खानी हो तो वो सेकंड में हम निकल जाते हैं बिल्कुल ऐसे और ये नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट है आपके पास ऐसी मुख्तलिफ अल्लाह ने पॉइंट्स दिए हैं जिसके अंदर आपके दर्द का इलाज है अच्छा इसमें आ, थ्री सेकेंड एक्यूपंक्चर भी हम करते हैं जिसको अभी कहीं सर दर्द हो रहा तो ऑन एयर हम उसके सर दर्द विद इन थ्री सेकेंड गायब भी कर सकते हैं थ्री सेकेंड विद इन थ्री सेकेंड अब जब निडल लगी आपके एंडोर्फिन रिलीज होगा आपकी जो पेन है उसको hmm. आराम आएगा अभी जो पॉइंट में बोल रही थी दैट इज डू ट्वेंटी पॉइंट इसको लगाया जाता है फिर साइनस हेड के लिए जो कह... कर... हुई? <laughs> <laughs> अच्छा चले कुछ हुआ दिमाग में घुसने से नहीं दर्द हुई ना शायद दिमाग चली पड़े <laughs> क्या पता अच्छा ये लगाया जाता है फिर आ, आपके आई ऑर्बिट्स के पास तो फिर क्लस्टर हैडिक्स हेडि, के लिए भी माइग्रेंस के लिए भी और साइनसाइटिस के भी लिए भी, भी जिस तरह श्रुधारा है ये भी साइनसाइटिस के लिए भी किया जाता है इसी तरह एक्यूपंक्चर ये अच्छा मेरे पास मैं क्या करती हूँ कि क्योंकि मैं इन दोनों तीनों फील्ड्स में एक्सपर्टी रखती हूँ तो मैं देखती हूँ पेशेंट को तीनों तरह से और कोशिश करते हैं कि उसको जल्दी आराम आ जाए सो ये हमने लगा दी इनको नीडल्स और इसको फिर हम वेट करेंगे ये ये इस वाले बाजू में नहीं लगना था लगाने लगे मैं मिस कर रही हूँ ना उस वाले को <laughs> बैलेंस ऑफ बैलेंस हो गया है मैं अगर सुइया लगा रहे हैं तो वो पॉक्यूपाइड नहीं होता ये जरा देखिए बारह से अच्छा सो so, अच्छा, अच्छा, अच्छा ये निडल्स जो हैं ये आपको लग जाती हैं और ट्रीटमेंट 10 से 15 ट्रीटमेंट है के लिए जो दिए जाते हैं सात डाइटरी रिजीम को 40 डेज के लिए चेंज किया जाता है और आपको अल्लाह का फजल शामिल है हाल रहे तो ये दर्द कभी वापस नहीं आती अब मुझे हिलते हुए डर लग रहा है आप हिल सकते हो कुछ नहीं हुआ ऐसे <laughs> अच्छा ये बताइए कि ये जो हमने डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे जड़ी बूटियाँ आए बैठ जाएं आप मेरे पास और मुझे बताइए कि ये जड़ी बूटियों की क्या कहानी है अगी? अच्छा जी छोटी सी आप ली ये है मोगज़ा सिगार है इसको आपके आ, अगर साइनसाइटिस से रिलेटेड आपको हेडिक्स हो रही हैं साइनस का इशू है एलर्जीज़ का इशू है तो फिर इसकी हीट दी जाती है ताकि आपका वो एरिया क्लेंस हो जाए आगे व्यूवर्स हम अपने हर्ब्स की तरफ तो आपकी खुराक जो है वो बेसिक चीज़ है सेवेंटी परसेंट आपकी ख़ुराक है जो आपके सर दर्द कमर दर्द किसी भी किस्म के इलाज में काम करती है जैसे हम पहले बता रहे थे सो so, कोशिश कीजिए कि सर दर्द के, के मरीज़ बादी अशिया का चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट फोटी टू वन ट्वेंटी डेज बंद कर दें बादी चीज़ों के अंदर क्या है कि बादी चीज़ों में आपके आलू गोभी भिंडी अरवी माश की दाल चने की दाल इस तरह की चीज़ें जो ले सकते हैं सब्जियां हाँ। वो अच्छा हम कहते हैं जी हमें तो आराम ही नहीं आया हम उसको प्रोलॉन्ग प्रॉपर ट्रीटमेंट करते ही नहीं है इस इस आपकी बॉडी 120 दिन में नया खून बनाती है तो मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ कि कम से कम 120 दिन तो आप दें अपनी बॉडी को एल्कोलाइन होने के लिए इसीलिए कहते हैं कि चार से छह महीने के बाद आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए अगर आपने अगर आप डोनेट करते हैं बाय द वे अगर आप डोनेट कर सकते हैं अपना ब्लड तो जरूर किया करें हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं जो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अच्छा अब ये फूलों की जैसे सब्जी की हम बात कर रहे थे तो टीडे तोरी कद्दू शलजम गाजर ये हम नेक्स्ट किसी सेगमेंट में ये वो अल्कलाइन फूड है कि जो आप हर तरह की बीमारी में अगर 40 से 120 दिन करते हो तो वो बेहतर हो जाता है फिर फूलों की बात करें तो ये है इसको गुल मीना बोलते हैं इस फूल को ये आपके पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है अगर आप देखें तो वो आप मरी साइड पे जाओ तो आपको इसको दे देते हैं ये आप अंदाज़ा भी नहीं है आपको कि साइनस रिलेटेड एलर्जीज़ रिलेटेड ये कितना फ़ायदा दे सकता है एक से दो फूल ले लें दो कप पानी में डालें इसको बॉईल करें एक कप रह जाए तो इसको इस्तेमाल रेगुलर करने से साइनस की प्रॉब्लम एलर्जीज़ की प्रॉब्लम और हेडक को आराम आता है सो तो वो हेडक जो एलर्जीज़ के से रिलेटेड है उसके अंदर ये काम करेगा फिर आगे बात गुलानार गुल अनार एक खूबसूरत परवदिगार ने हर्ब बनाया फूल बनाया है और ये आपसे एनीमिया से, से रिलेटेड अगर है हैं सो so ये उसमें काम आएगा अब इन सब के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिंजर क्योंकि ये आपके हाजमे को ठीक करता है तो कोशिश करें अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता ज़्यादा आप कोई ब्लड थिनर्स ऐसे नहीं ले रहे तो खुद से ले सकते हैं वरना अपने तबीब से वरना अपने तबीब से रिलेटेड पूछें क़रीबी तबीब से कि वो आपको क्या करता है रिकमेंड हाँ. यहाँ पे हम जो बात करें ये ट्राई डोशी करें ये कोई भी कर सकता है लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जिंजर दार और लौंग का इस्तेमाल अपने तबीब से पूछ के ज़रूर कीजिए गुल अनार का भी वही तरीका है जो कहवा बनाने का दो कप पानी में डालिए और इसको एक कप कर लीजिए दिन में सुबह के वक्त डेली लेने से वो लोग जिनका फेरेटिन लेवल लो रहता है वो लोग जिनको ब्लड की कमी है उसके लिए बेहतरीन इलाज है अच्छा अब है स्ट्रेस रिलेटेड तो हमारी बहुत सारे खूबसूरत खुशबूदार हर्ब्स हैं अगर आप ये देखें लेमन ग्रास अगर जुगन आप इसको भी मुझे हुई हैं ऊपर से इसकी ऐसे खुशबू और है जबकि आप इसको मसल लोगे तो इसकी खुशबू बिल्कुल डिफरेंट है Ooh, wow. ना सो so, ब्यूटिफुल ये जरूर ट्राई करें आप अच्छा दस पत्ते आप अगर लेमन ग्रास के ले लो लेमन के ग्रास के ले लो और दस ही पत्ते लेमन आप, के पत्ते हैं ये लेमन ग्रास तो नहीं लेमन ग्रास ये ईरानी लेमन ग्रास है ये बड़ी अच्छी है इसकी तो बड़ी अच्छी स्मेल हुँ। है हुँ। हुँ। और इसी तरह दस पत्ते अगर आप गाव जुबान के ले लो ये वो दो चीजें हैं जो स्ट्रेस हेडेक के लिए बहुत जबरदस्त काम करती हैं। के नहीं गांव जबान के तो ये आप लो, ले लोगे दो कप पानी में डालोगे एक कप करोगे और ये तैयार हो जाएगा अभी जो हमने ऑयल इस्तेमाल किया अब हम उसकी तरफ आ जाते हैं कि ये ट्राई डोशिक ऑयल बन सकता है ये है ए, सुंबल जड़ बोलते हैं इसको आ, इसकी थोड़ा सा क्वांटिटी पाँच तकरीबन पाँच ग्राम के करीब एक पाव में ले लें और उसको अच्छी तरह से जला लें जलाने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख दें और फिर छान के रख लीजिए इसका मसाज अपने सिर पे करें तो सर दर्द के मरीजों को बहुत आराम आता है कवर हो गया हमारा सारा कुछ डन हो गया ये सुइयां कब तक रहनी है बस अभी हम इसको उतार देते हैं वैसे 10 से 15 मिनट पहले सेशन में एंड देन then... नहीं नहीं अभी रह रहने देते हैं अच्छा, ना अभी हम जब जवाब वगैरह आएंगे तब तक ब्रेक में तो हमारे जो पेशेंट है वो हुँ. सो चुकी है और अब उसके सोने की भी आवाज़ आ रही है यहाँ ये इतना रिलैक्सिंग है हुँ. कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप किस दुनिया में चले जाते हैं exactly. एग्जैक्टली और बात ये है कि एट द एंड ऑफ़ द डे व्यूअर्स अगर आपका दिमाग रिलैक्स्ड है अगर आपका माइंड कंफर्टेबल है तो फिर आपके बाकी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुद ही नेचुरली हल होने शुरू हो जाते हैं इन सुइयों के साथ मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आके yes. मुझे तकलीफ़ देने का वैसे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई सीरियसली व्यूअर्स देखें ये नीडल्स बाज़ू में हैं फेस के ऊपर भी आप देख रहे हैं इट्स मेकिंग एब्सोल्युटली नो डिफरेंस ऑफ एनीथिंग एक बड़ी रिलैक्सिंग सी फीलिंग है विच इज़ वाई मैं निकालने भी नहीं दे रही <laughs> तो हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएँगे इन फिर अगले हफ्ते मुलाकात Inshallah. होगी आप हमारे साथ रहिएगा द ब्रेक व्यूअर्स एक्यूपंक्चर भी हो गया सुधारा भी हो गया अब कुछ चलते हैं एंटरटेनमेंट और हल्ले गुल्ले की तरफ और एंटरटेनमेंट और हल्ले गुल्ले की जब हम बात करें तो ये बाप बेटे जो हैं ये एक इतनी अमेजिंग कॉम्बिनेशन है और वो जो कहते हैं ना कि वो एक फ़िल्म आई थी ऑस्टन पावर्स उसमें एक मिनी मी था डॉक्टर ईवल का मिनी मी था तो इसी तरह आ, इस पर्सनैलिटी का भी मिनी मी का बेटा ही है और बहुत ही प्यारा एक बाप बेटे की जोड़ी आज हमें ज्वाइन करेगी आगे जाके एक बहन और भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों की और इतना ख़ूबसूरत रिश्ता और इतना खूबसूरत ताल्लुक़ है मेरा पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और यहाँ पे हर इंसान के साथ तो सोचा कि आज रिश्तों को ही ट्रिब्यूट देते हैं ऑन मंडे मॉर्निंग तो आइए मिलते हैं ब्रिलियंट हमारे मुल्क के एक ऐसी नामवर शख्सियत जो एक ब्रिलियंट एक्टर हैं एक अमेजिंग कमेडियन हैं लोगों को हंसा के ख़ुद भी खुश होते हैं आ, इतने अच्छे और बेहतरीन एक्टर हैं कि सीरियस एक्टिंग करा लें या कॉमेडी करा लें ये इनका नाम सफ़ेवल पे आता है और बाय द वे एक ब्रिलियंट सिंगर भी हैं मैं बात कर रही हूँ नवाज अंजुम और उनके बहुत ही टैलेंटेड साहबजादे अहमद नवाज अंजुम की आइए उनको वेलकम करते हैं मॉर्निंग एट होम wow, क्या, क्या, क्या बात है क्या बात है आपने क्या आपको क्या बात है आपको क्या बात मुझे कोई बात नहीं आपको क्या बात है नहीं कोई बात फैमिली के बैठे हैं तो क्या बात है आपको आपको क्या बात है सुबह सुबह बुला लिए क्या बात है आपको आप इस छोटे से मुड़े पे रेस्ट करें वो, इस पे तो सो के दिखाई अच्छा आज ऑनर हमें अभी तबीयत ठीक नहीं है ठीक फिर अच्छा तो अहमद नवाज अंजुम से आपकी जान पहचान है बड़ा सुना अच्छा टैलेंटेड लड़का एक आया है अच्छा हाँ उनको पता चला था कि आप दोनों आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं ले लेती हूँ तो जब आप लोग चले जाएंगे तो वो आ जाएंगे नहीं तो हमारे जाने के बाद आएंगे वो आपके जाने के बाद इतने कौन सा डर पड़ गया था उसे और जब नवाजन जो आएंगे ना तो वो भी आ जाएंगे

इरतीकार भाई सुन रहे हैं आपने वापस आके वाहद इरतीकार ठाकरे जो अपने मूछों ने भरने डग पंदा है मूछें खूब आप सिर्फ जले हैं क्योंकि वो टॉल भी हैं और वो स्लिम भी नहीं नहीं क्या बात है जी बड़ा ही प्यारा भाई और बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट दरवाजा बंद भी होवे फिर भी कर्ज बढ़ हाय हाय अच्छा अहमदाबाद आप आज कैसे आपका आना हुआ इस तरह जी बिल्कुल और सबसे पहले तो मैं वेलकम जी जी करेगा <laughs> सबसे पहले तो वेलकम हम दोबारा जो है वो पीटीबी होम पर आ गए जहाँ से मैंने आपके साथ बड़े शूज़ किए और खास तौर पे मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा पीटीबी होम का कि आज दोबारा जो है वो मॉर्निंग में बुलाया और आज आपको देखकर बेहद खुशी हो रही है थैंक यू सो मच मॉर्निंग एट होम में आपको भी हम वेलकम exactly. करेंगे exactly. और ये बताइए so, तो कि तो यूजुअली घर पे ही होती है और होने भी घर पे चाहिए तो जब हम जागते हैं तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जब लोग अपना टीवी स्क्रीन अपनी टीवी स्क्रीन को ऑन करें अक्सर अच्छा लोग कुछ आधी नींद में होते हैं चीज़ें बच्चों को स्कूल भेज के दफ्तरों में जिसने निकला है, निकल के उसके बाद फिर टेलीविजन ऑन किया जाता है हाँ, हाँ, तो हमने जान के टाइम भी ऐसा रखा कि दस बजे का कि मतलब अपने सारे जो अर्ली मॉर्निंग की मसरूफियात हैं हस्बैंड ऑफिस चले गए सारा कुछ हो गया वो डन हो गया फिर आप जरा रिलैक्स्ड हो गए तो एक दो घंटे बैठ के आराम से आप मॉर्निंग एट होम देखें साथ साथ अपनी तैयारियाँ करें इसीलिए हमने किचन का भी सेगमेंट रखा है वेरी नाइस गुड आज क्या बन रहा है आज uh, क्या बन रहा है आज बन रहा है स्टिकी चिकन स्टिर फ्राई गार्लिक राइस के साथ और कैरामल क्रंच डिजर्ट। क्या कह रही हैं <laughs> <laughs> बेटा उर्दू में बताऊंगी <laughs> आज हम चाइनीज बना रहे हैं गार्लिक ओ वेरी नाइस लखनन ऑल लखनन ऑल और स्टिकी चिपकी हुई मुर्गी हां जी एग्जैक्टली चिपकी हुई मुर्गी और क्या और क्या डिजर्ट क्या है हमारे कैरामल क्रंच डिजर्ट ओह इट्स वेरी नाइस गुड इट्स यम वाचा इट्स नो वाचा चिपकी हुई वाचा चिपकी हुई वो चाइनीज चाइनीज गाने तो मेरा बंदा वैसे ही बोले ना ऊपर से तो मेरी शक्ल भी चाइनीज से मिलती जुलती सर अल्लाह का शुक्र है Thank you very much. <laughs> चीन दोस्ती के बेस पे आप ब्रांड बन सकते हैं। ये ये भी तो हो सकता है ना। दिल्कुल अच्छा दिल्कुल। हम बात करें रिश्तों की ताल्लुकात की और उनकी अहमियत की तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि बाप बेटे का तो वैसे ही एक बड़ा यूनिक सा उसके साथ साथ जब साथ काम भी करते हैं क्योंकि अब तो आप लोगों का बहुत से जगहों पे काम भी साथ होता है हमने मूवी भी साथ की शॉर्टकट

तो माशाल्लाह जी ये तो एक बड़ी खुश नसीबी होती है कि बाप बेटे का तो रिश्ता एक ऐसा है कि ये तो क़यामत तक एक चलना है जाने के बाद भी वो रिश्ता कायम रहना है बाप का नाम बेटे के साथ अटैच रहना है सब कुछ है लेकिन ये जो रिश्ता जो आप अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे को उस मकाम पर देखते हैं जहाँ आपने इतनी स्ट्रगल के बाद वो मंजिल हासिल की और उसने भी नो डाउट no के ज़ीरो से स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे और अपने आपने ज़िंदगी में अपने बच्चे को वहाँ तक देखा है तो वो रिश्ता और मजबूत हो जाता है बाकायदा बाप को खुशी होती है बाप के दिल से दुआ निकलती है कि मेरा बेटा उस मकाम पर चला गया जो ए, आँखों के सामने बट क्या आपको उम्मीद थी मतलब इसको देख आ... के तो मुश्किल

तो ए सी चला लेना हाँ। बना लिया ले तो ए सी नहीं लाया तो फिर बाढ़ पेगी तो ये रिश्ते जो है ये मुझे बड़ी खुशी हुई माशा ये भी छोटे वाला भी दोनों ही बड़े टैलेंटेड है इन्होंने मेरी भी ख्वाहिश पूरी की फिर आगे बाद में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि पापा हमने ये बनना है तो मैंने कहा बन जो अभी फिर जो आपका दिल करता अच्छा आप क्या कहेंगे अपने अबू के साथ अपने अब अब आज आवाज नहीं निकल रही वैसे तो बातें नहीं खत्म होती हैं आपकी माशाल्लाह जी बिल्कुल जरूर आपकी बात का जवाब दूंगा पापा कहते हैं बड़ा नाम हाँ। तो सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि अब्बा का नाम जो है मेरे साथ अटैच है और लोग जो है ए, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं अब्बा की वजह से क्योंकि अब्बा ने जितना ए, इस फील्ड को टाइम दिया है और तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि एक यूनिवर्सिटी जो है वो मेरे घर पे मौजूद है मुझे सीखने को बड़ा कुछ मिलता है और मुझे एक जो है वो रास्ता जिस रास्ते पे मुझे चलना चाहिए वो मुझे फौरी जो है वो बता दिया जाता है कि ये रास्ता बेहतर है हम इस रस्ते पर चलें तो आप चलो तो जल्दी कामयाबी मिल जाएगी ना कि इधर उधर भटको तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर बड़ी एजाज़ की बात है कि अब्बा ने मुझे बड़ा कुछ सिखाया लेकिन जुगन जी, आप लेकिन हाँ, आप दोनों का बिल्कुल सोबर और सीरियस घर को घर ही रहना चाहिए काम की जगह पे ही काम अच्छा लगता है तो मैं ये हकीकत में इनसे भी पूछ लो कि आज तक भी इनको जरूरत नहीं हुई दें अबा जी चाहिए अपनी अम्मी को कहते हैं अब कह रही वो देखे जरूरी है ये हम साथ साथ करें। नहीं, नहीं, लेकिन ना, वो घर का माहौल है ना अगर कॉमेडियन जो, जो है आप उसको देखेंगे वो घर में एक सख्त तरीन बाप होगा वो हर चीज को घर में आपने बहनोई से भी डिस्कस करनी है आगे भाइयों से भी बहनों रिश्ते ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि आपको पता है कि घर जाके दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है ना एक बात, बात और दूसरी बात यह घर के और आ, आपने कॉमेडी में जो लोग जिंदगी को सीरियस नहीं ले लेते आप उनके बारे में मजाक तो करते हैं लेकिन आपने देखा है कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं जब जिंदगी को सीरियसली नहीं लेते छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे अरे... ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात होगी एक भाई और बहन से जो साथ काम भी कर रहे हैं एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्यारे प्यारे से दो लोग हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद वाह बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स जैसे कि आप जानते हैं हमारे लेजेंड आर्टिस्ट नवाज़ अंजुम हमारे साथ हैं और उनके क्या कहूँ बस यही कहूँगी उनके साहबजादे हमारे साथ हैं अहमद नवाज़ अंजुम ये तो बाप बेटे का ताल्लुक हो गया अब बात करते हैं बहन और भाई के रिश्ते की बहन और भाई का एक बहुत ही प्यारा बड़ा ही खासा ताल्लुक़ होता है जैसे कि मेरा और मेरे जो छोटे भाई हैं वो में से थर्टीन मंथ्स का हमारा एज डिफरेंस है और लिटरली हम लोग जिस तरह कहते हैं ना कि ट्विन्स की तरह बड़े हुए आ, साथ खेले कूदे और आज भी अगर बात करें क्लोज होने की अटैचमेंट की तो असद के साथ मेरी एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल की अटैचमेंट है क्योंकि हम भाई बहन तो हैं लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं अब बुलाते हैं एक बहन और भाई को आ जो बड़े टैलेंटेड इन देयर ओन राइट हैं सबसे पहले तो ऑब्वियसली डॉक्टर अरूबा तारिक को बुलाएंगे आ, जो मल्टीपल फील्ड्स में काम करती हैं शी इज अ एमबीबीएस डॉक्टर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर माशाल्लाह दो शोस की होस्ट भी हैं एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्यारा सा मेरा बच्चा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आ जाओ गुड़िया एंड इनके छोटे भाई हमारे साथ है मोहम्मद रुमान और हैंसम तो है ही हैं लेकिन उसके साथ साथ रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं वालेकुम क्या हाल है थी। मैं ठीक ठाक आप सुनाए बिल्कुल ठीक ठाक और वे ये आ, मन मन मौजी? मन, मन, मौजी हाँ है। मन मौजी है। मौजी हैं ये आ, आपको कभी कभी खबर हार पे नजर आते हैं और कभी कभी नहीं भी नजर आते है वो इसलिए क्योंकि अक्सर ये बिहाइंड कैमरा होते हैं मोस्टली इसका काम बिहाइंड कैमरा है सो कभी कभी सामने आ रहा था लेकिन जब ये आता तो फिर इसकी जो शामत आती है हमारे साथ वालों के साथ बिकॉज वो एक शरीफ आदमी वो सब के हाँ आ जाना है। तो ये बताइए कि दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ़ फील्ड से ताल्लुक आपका था और आ दोनों मीडिया में गए तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है आ, सबसे पहले तो ये बताओ नहीं। ना नहीं आ, मेरा तो चलें इतफाक ही था इसके लिए ऐसा हुआ कि हम मैं पिछले साल इंग्लैंड गई हुई थी वॉज ऑन माई ऑफ तो इसके सेमेस्टर के बीच में एक रिक्वायरमेंट थी दैट ही हैज़ टू डू जिस तरह होता है ना आप कहीं पे भी कोई ऑब्जर्वरशिप करें कोई इंटर्नशिप करें सो ही हैड टू डू दिस और हम ये अकेला था पाकिस्तान में तो मैंने कहा कि जो, इसने कहा यहाँ पे भी मैं करके देख लेता हूँ तो जब इसने वहाँ जाके किया माशा ही हैज़ ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट इसको जनरल नॉलेज और हर चीज़ के बारे में ना जिसे कहते हैं ना ही इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया

बस पेनियां <laughs> पेनियां ही नहीं बस पेनियां ही गई रुपया रुपया टाइप सिचुएशन हो गई चलो ठीक है इतना तो बनता था सर बल्कि इतना भी नहीं बनता था अगर आप कहते हैं तो अच्छा हम बात करें रिश्तों की जिस तरह बाप बेटे का ताल्लुक है तो आप दोनों का आपस में एज सिबलिंग्स रिलेशनशिप कैसा है भाई बहन का आज देखें hmm. तो आई थिंक इट इज वेरी ब्यूटीफुल हालांकि कहने पे वो नहीं एडमिट करता इतना ज़्यादा लेकिन एक होता है ना आप नेचुरली केयर करते हैं मैं कहीं चली जाऊँ तो मेरा पहला ख्याल होता है इसके लिए फिर अगर ये भी घर में आ, मेरा मैं बहुत देर से आती हूँ मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ मैं नहीं सोई हुई सो ही टेक्स केयर ऑफ एवरी बचपन में तो फिर बचपन होता ना वहाँ तो फिर जंगे भी होती है होती थी जंगे हाँ अब भी हो जाती हैं कभी कभी अब नहीं लेकिन अच्छा लेकिन आपका देखिए वो तो आपने बता दिया कि वो आपकी बड़ी केयर करते हैं तो आपका ये कितना को ख्याल रखती है लड़की

हम जीवन कि वैसे तो नहीं मिल पाते सारा दिन क्योंकि को कोई कोई रिकॉर्डिंग्स पे है कोई ये है रात को गए तो ये सोए में सुबह निकले तो ये बैंक में गए अपने 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 काम कर रहे हैं लेकिन मैं एक बड़ा रूम मैंने बनाया हुआ है सब सोते इकट्ठे ही, ही हैं अच्छा। एक ही रूम में तो मैं फिर रात को फिर वहीं क्लास होती है सबकी कि भी आज क्या होना है क्या वजह है क्या मतलब फिर जो चीज़ सोशल मीडिया वो नहीं बताता जो माँ बाप ने डिस्कस आपसे करनी है

आप कुछ कहना चाह रहे थे अब्बा, बड़े, ए, अब्बा खराटे है। मारते हैं नहीं मारते, हैं? मारते, हैं। <laughs> मारते हैं। आप भी खराटे आप लोग जब दो उस बड़े कमरे में सो रहे होते हैं तो बाकी घर वालों का एक शोर हो रहा है वो इनके घर में सब सो रहे हैं अच्छा चोर आसानी से चोरी कर सकते मेरे घर तो चोरी करने आया था चोर तो मुझे रंग गोरा करने वाली क्रीम क्रीम लिख के देगी लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है अब हमने बंद कर दिया है ना अब रंग गर्म गोरे करने वाली क्रीम की हम कोई सपोर्ट नहीं करते आप मुझे ये बताइए कि आप कौन सी जबान में ज़्यादा फ्लुएंट है वो मुल्तान पहुँच जाता है कभी आप सराकी बोलते हैं कभी आपका कोई गाना राजस्थानी में होता है आप लैंग्वेज कौन सी एक्चुअली आपकी आपकी मदर टंग आ, क्या है असल में ए, मैं राजस्थान से रोहतक से हूँ जैसे ओ पी के में जैसे जो संजय दत्त ने आप में बोली भी थी वो लैंग्वेज जो अक्सर इन हमसाया मुल्क में जो फिल्म्स हैं वो उसमें ज़्यादा राजस्थानी रोज होते हैं जैसे हमारी फिल्मों में पहले जैसे मेहंदी हसन साहब खुद है ना हमारी बरदरी के थे राजस्थान से थे आप उनके गाने भी सुन लेंगे थारे नैना बड़े बेईमान मान रहे तो वो उन्होंने भी फिर मोहम्मद अली साहब खुद मुल्तान से और वो राजस्थानी थे वो भी मसूद राना साहब भी लेकिन मुझे ये एक दुख है कि सब ने अपनी माँ बोली के लिए कोई काम नहीं किया जैसे की कल्चर आप जगह जगह सराइकी चाहे वो पाकिस्तान में जनूबी पंजाब हो या इस तरफ हो हर तरफ सराइकी सुनी जाती है पूरे पाकिस्तान में सुनी जाती है बल्कि पूरी दुनिया में सुनी जाती तो मैं चाहता था कि यार जो हमारे अलग पाकिस्तान में तीन चार करोड़ लोग हैं जो जो राव राजपूत रांग बागड़ी यानी कि जाट ए, कुरेशी ये सब ना ए, 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 ये बोलने वाले जुबान है हरियाणवी लैंग्वेज जो तो आप जो हम सॉन्ग सुनेंगे आपसे तो मैं आपको हरियाणवी लैंग्वेज में सुन क्या बात है दे... हम और हम भी हरियाण हो जाएंगे और हरियाणी सुन के अच्छा लेकिन लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जो वहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगी और आप लोगों ने बताना है कि कौन है और किस मौके की ये तस्वीरें हैं ए कौन है ये मेरा सुपरमैन है कौन ये मोहम्मद है मैं सद के मोहम्मद क्यूटी पाए और ये क्या ओकेजन था ये बर्थडे पूछते हो हाँ ऐसे ही कोई जिसमें फोटो शूट हो रहा होता है ना तो उसमें wow. से क्यों ये दिस वाज़ द कैलेंडर पिक्चर नो द कैलेंडर बेबी कैलेंडर बेबी अच्छा नेक्स्ट पिक्चर कैलेंडर बेबी तो आप भी अभी भी लेकिन <laughs> देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर हम्म ओह दिस इज़ आल्सो मोहम्मद ये हम ये न, हम में ना हम चूंकि ज्यादातर गर्ल्स की फैमिली थी तो उसमें ये एक बॉय था और ये सबसे छोटा होता था तो पीछे भी आपको हाथ नजर आ रहे होंगे सब अपने अपने लड़कियां पोज कर रही हैं तो ये उनके आगे ना कंफर्टेबल होता था सुपरमैन सुपरमैन कर दिस इज वन पेनफुल इसके पैर देखे कीचड़ से भरे में आई डोंट नो इतना प्यारा सनी डे इतनी प्यारी ग्रास कहीं से ये कीचड़ में ही वॉज प्लेंग बहुत तंग करता था नहीं ये इंतहाई शरीफ बच्चा था इसको और ये भाई सुपरमैन था ऊपर जाके लोकेशन भूल जाता था तो उधर ना, ना। नहीं ऊपर से जीनियस है ऊपर से सबको लोकेशन बता रहा था तो, तो तुम यहाँ जाओ तुम वहां जाओ तुम वहां तो जाओ ये तो हमारा जीनियस बच्चा तो इसका नाम अहमद नहीं है इसका नाम मोहम्मद जी ये मुझे बताया फर्क बच्चा है ये वाला है कौन है ओ ये आज भी यही चीज है ये कहता है सूखी रोटी दे दो सूखे चावल दे दो सूखे बांध दे दो सालन की खैर है और मैं हम और देखो पिक्चर खिंचवानी है लेकिन नॉट लीविंग द स्वीट यानी कि पानी से डोब डोब के खा लो नहीं सूखा पता नहीं कैसे खा लेता था आज भी इसको पहले मां मार दी सी के सूखे रस ना को वैसे एक बात बताऊं कौन से नंबर पे है सबसे छोटा तो मतलब नंबर व्हाट अच्छा होता ये कि तीसरे बच्चे तक ना माँ बाप कहते नहीं, मतलब नहीं। हैं नहीं नहीं, बच्चे 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 है। नहीं, 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 नहीं नहीं आज भी ऐसे होता है एक आधी रोटी नान रास्ते में सकते <laughs> है बट ही बचपन में तंदूर से रोटी ऊपर जो फूले भी होते हैं ना सब तोड़ तोड़ के तंदूर से रोटी अब उसके ऊपर ना छोटे से वो ऊपर उस तो से उसका एक हिस्सा उतार के ना पूरा वो खाला खमीरी रोटी। अच्छा ने अगर भिंडिया काटी है तो वो ढूंढिया ना मुँह <laughs> आप यहां आ जाए आप यहाँ आप यहाँ गाना गाए था। था। इस बार आपने हमें हरियाण कर दिया अपनी हमने कभी भिंडियों की लूडिया जो है वो अपने मुँह पे नहीं लगाई बड़ा बड़ा मजा जाती है उसकी लूडिया जो उन्होंने कहा अपने मुँह पे लगाते है सब ने लगा के अपने इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगा वाइट भी गई जितने जितने लगी है उतनी चटान पाएगी लगता चिप्स मुँह गई

इसीलिए तो लोग वो जो कहते हैं ना पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर एंटरटेनमेंट की बात करें तो खाने पे ही बात होती है खाने की तरफ हम अभी बढ़ेंगे और डिशेस को लेके भी आएंगे बट थैंक यू सो मच बेटा खूबसूरत बल्कि मेरी जान अगर हमारे गेस्ट तक आप ये बोल्स भी मज़े मजे के मीठे sure. के पहुंचा दें तो क्या sure. ही बात होगी तब तक मैं ये जानना चाहूंगी कि देखिए जब आप लोग हमारे साथ हैं तो अरूबा मोहम्मद के लिए क्या कहना चाहोगी कुछ अल्फाज देखो दिल में बड़ी बातें होती हैं ये बात कभी इंसान एक दूसरे को फेस टू फेस यूजली नहीं कहता तो दिल में जो बात है अपने भाई के बारे में शेयर करो uh, मोहम्मद के लिए जनरली कहा जाए ना तो इज़ अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन वेरी नाइस वेरी हम्बल पर्सन लेकिन मैंने दुनिया में ऐसे ऐसे बहन भाइयों को भी देखा है कि छोटी सी बात होती है छोटा सा इशू होता दुनिया अभी इसी कोई चीज़ होती है कितने कितने साल एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते मुँह नहीं देखते लेकिन स्पेशली uh, अगर मैं अपने घर की अपनी लाइफ की बात करूँ तो फॉर दिस लास्ट वन मंथ आई थिंक के हम लोगों बहन भाइयों का बॉन्ड ऐसा होता है कि आप सारी ज़िंदगी इतना क्लोज किसी के नहीं रहते हैं और उनसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई सिंसेअर नहीं हो सकता आपके साथ आपके फ्रेंड्स स्कूल में कॉलेज में वर्क प्लेस आते हैं बदल जाते हैं लेकिन द सिबलिंग्स आर गोइंग टू स्टे दर फॉर लाइफ आपको कोई इशू कोई प्रॉब्लम कोई बैकअप चाहिए होता है तो आई थिंक आप सब मैं तो सबसे पहले जाती हूँ इसके पास मुझे पता है कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तो मोहम्मद इज देयर फॉर मी हालांकि जैसे वो कह रहा है ना मैं इतनी बिजी होती हूँ मैं सारी रात काम कर रही हूँ मैं दिन में भी काम कर रही हूँ मैं नहीं सोई तो फिर हॉस्पिटल के भी तो आपने हाँ, तो मेरे घर वाले इस चीज़ का बहुत ख्याल हाँ। रखते हैं कि जब मैं घर आती हूँ तो फिर दे डोंट बॉडर इसको तंग भी करना है इसको बुलाना भी है तो उसमें भी अगर मैं कहीं दूर से भी एक आवाज़ दूँ एक टेक्स्ट मैसेज करती हूँ कहीं दूर बैठी हुई तो ही इज ऑलवेज देयर अगर कहीं बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम इज़ मोहम्मद तो ये बात गलत नहीं होगी सॉरी अगर ये कहें कि मोहम्मद आपका बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम yes, है तो ये बात गलत नहीं इंडीड अच्छा इसके बारे में क्या कहेंगे ये जो आपको तंग करती है वे, 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 वे. नहीं तंग अपनी जगह वो बस सारी बातें अपनी जगह लेकिन शी इज वेरी हेल्पफुल एंड शी इज वेरी मुझे समझ नहीं आ रही आई कैन काउंट ऑन हर हेल्प मी आउट अगर इसके पास टाइम शी थिंग्स And let's say I'm very lazy. लेजी मेरा एक बहुत बड़ा मसला oh है God, yes. और मुझे चाहिए हो ना तो सालन भी कभी वेट हाँ। नहीं करता कहता सूखी रोटी खिला दो बस खाना नहीं वो तो पसंद है हाँ, आप पसंद आप कहीं हाँ। जाओगे कहीं प्लेन डिनर रोल और एक तरफ को अच्छा सा खाना, सा, खाना सालन पड़ा है फर्स्ट ही गो फॉर द ड्राई I don't know why. भाई फिर जब भी इसको settle कराना है ना जिंदगी में शादी करानी है तो किसी ब्रेड या बेकर से इसकी शादी करानी है हमने ये तो फैसला कर लिया ठीक है so, तो

थैंक यू सो मच बेटा थैंक यू एंड अब जब यहाँ बात कर रहे हैं तो इनसे भी पूछ लेते हैं आपका इस यंग के बारे में क्या ओपिनियन है <laughs> मैं नवाज जब आप जब आज, नवाज अंजुम के बारे में क्या कहेंगे? जी जुगर जी आज मैं अब्बा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे जो है एक स्टैंड दिया और मुझे जो है वो शोबिज़ में लेकर आए और मुझे काम को सिखाया कि काम करना किस तरह है और मैंने फिर जो है मेहनत की और अपना नाम मनवाया आज माशाल्लाह लोग जानते हैं और मैं इस काबिल हो गया हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है वो मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ तो ये सिर्फ अब्बा की बदौलत है और मैं बस शुक्रिया अदा करूँगा बेबी के बारे में क्या केक? जुगन जी बात यह कि बच्चों की जो ख्वाहिशें थी सब पूरी हुई फिर इसको ये भी पता है कि मेरे बाप ने हम लोगों के लिए कितनी स्ट्रगल की तो मुझे ये बड़ी खुशी है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में इतने बाद अब बच्चे होना कि हर चीज़ की हालांकि शादी शुदा भी हैं सब कुछ है इसके बावजूद भी केयर करना क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो छाँ बन जाना उस चीज़ को फील करना मैं आज दिल से बात आपको कर रहा हूँ के ताला ऐसी सबको दे जो जो अपने माँ-बाप का का करते यहां तो 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 नहीं हमने और फादर बनाया है है फादर है हालांकि हर हर दिन ये ये वो रिश्ते हैं तो बड़ी बात है कि आज मेरे सामने उसी तरह और बड़ी बड़ी बात आप लोगों के लिए बहुत सी तालियां बहुत सा प्यार बहुत सी ताला हमेशा आप लोगों को इसी तरह अपनी बॉन्डेड यहाँ पे प्रोग्राम को क्लोज करना है और क्लोज तो फिर मेरी मर्ज़ी के गाने पे ही होगा जबकि अहमद नवाज का कुछ और दिल था लेकिन आपके दिल की हमें से यहाँ किसी को भी कोई फिक्र नहीं है बेटी बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया चिट्टा चोला, चोला। <laughs>